साथियों, दो दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी, 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। अब उसके इलाज के लिए उसके बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र आपका ये बेटा करेगा। देश के बुजुर्गों को दी गई गारंटी मोदी ने पूरी कर दी है। मैं हरियाणा के सभी भाइयों और बहनों से कहूंगा, आप अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, आपके माता पिता की चिंता आपका ये बेटा, आपका ये भाई कर रहा है। साथियों, हरियाणा में भी भाजपा सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। भाजपा सरकार आने से पहले हरियाणा के आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं था। आज हरियाणा में करीब करीब 100% नल कनेक्शन वाला ये राज्य बन रहा है।